खान इस बात का फैसला किया कि वो दुनिया की सारी कौमों में से किस कौम को अपनी कौम बनाए। तो खुदा के बारे लिखे, खुदा रोमन्स के पास गया, रोमन्स ने कहा कि जी खुदावंद हम तेरे लिए बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बनाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि खुदा के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनाया है। उन्होंने कहा ओके आई लेट यू नो, आइडिया तो अच्छा है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कि आप लोग हो कि नहीं। ग्रीक्स के पास गया, ग्रीक्स ने कहा जी हम खुदावंद तेरे नाम की साइंस निकालेंगे, हम तेरे नाम के जो है वो फॉर्मूलास क्रिएट कर देंगे और साइंटिफिक रिसर्च इतनी कर देंगे कि लोग जानेंगे कि खुदा जो है वो साइंस का मालिक है। मैंने कहा ओके आई लेट यू नो। और यूं खुदा करते करते पूरी दुनिया की कौमें वो बयान करते, कोई 60-70 हज़ार के करीब खुदा ने कौमों का राबता किया और उनके इंटरव्यूज किए कि जी अगर मैं तुम्हें अपनी कौम बनाऊं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। कहते अल्टीमेटली फिरते फिरते खुदा को दूर दराज मिस्र के किसी इलाके में एक छोटा सा ग्रो मिला। खुदा ने पता लगा जी कि ये दे आर हिब्रू पीपल। मैंने कहा ओके जी अगर मैं तुम्हें अपनी कौम बनाऊं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। उनका जी खुदावंद वी विल सिंग सॉन्ग्स एंड वी विल राइट स्टोरीज फॉर यू। खुदा ने कहा ओके आई लव स्टोरीज, सो तुम मेरी क्या बन जाओगे, तुम मेरी कॉम बन जाओगे। सो दैट्स ऑल्दो आपको पता स्टोरीज में हिस्टोरिसिटी बाज़ोकात नहीं होती, दे आर मेक अ पॉइंट कि जी उसके पीछे मॉरल लेसन क्या है। और यूं यहूदी लोग खुदा की कॉम बन गए बिकॉज दे सिंग सॉन्ग्स एंड दे टेल स्टोरीज। सो मेरे जीजो आज जब हम लूका की इंजील और इस पैराबल्स पर खुदावन यसु मसीह ने जो लूका की इंजील में जो पहली पैराबल है, जो पहली कहानी है, जो पहली तमसील है, वो बीज बोने वाले की तमसील है। तो ये आप अंदाजा करें कि लूका की इंजील जो है हाउ इट इज डिफरेंट देन द अदर गॉस्पल्स। टोटल इंजीलें कितनी हैं? 4, ठीक है जी। 4 इंजीलों में पहली कौन सी है? मत्ती, दूसरी, तीसरी और चौथी जॉन। जो पहली 3 अंजीलें हैं इनको सिनॉप्टिक गॉस्पल कहा जाता है। कौन सी गॉस्पल कहा जाता है? सिनॉप्टिक। व्हाई दे आर सिनॉप्टिक गॉस्पल? क्योंकि इनके अंदर जो खुदावन यीशु मसीह के बारे जो वाकयात हैं, जो स्टोरीज हैं, जो यीशु मसीह की बायोग्राफी है, जो मिनिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें उसमें मिलती जुलती हैं। उनमें सबसे पहली गॉस्पल जो लिखी गई वो मरकस की अंजील थी। मरकस की अंजील से कुछ चीजें जो है वो फॉलो की मत्ती ने, और मत्ती से जो लास्ट में लिखी गई अंजील वो कौन सी है? लूका की। यूहन्ना की अंजील जो है आप देखेंगे कि यूहन्ना की अंजील उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जबकि लूका और पहली 3 जो अंजीलें हैं दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन आज मैं मत्ती की अंजील या यूहन्ना की अंजील की बजाय जब हम और मरकस की अंजील की बजाय जब लूका की अंजील पर बात करेंगे तो 2-3 चीजें आप इस बारे में जान लें, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज चलेगी आई विल नॉट गोइंग टू रिपीट दीज बैकग्राउंड और इनके पीछे जो थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम फिर सिर्फ कहानियों पर जाएंगे, तमसीलों पर जाएंगे। लेकिन आज चूंकि पहला सर्मन है और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये है क्या। कैन आई गेट फ्यू लाइट राजा? थोड़ी सी लाइट मुझे दे रहे हैं यहां पर। ओके थैंक यू। यस सो पहली चीज, व्हाट इज पैराबल? कहानी है क्या? तमसील। उर्दू जुबान में इसका तर्जमा क्या किया गया है? तमसील। अंग पंजाबी में क्या है जी इसको? मुझे नहीं पता पंजाबी में क्या कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में पैराबल, ठीक है जी, पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ व्हाट इज पैराबल? पैराबल है क्या? इससे पहले जाने के लिए पहले आप यह समझ लें कि तकरीबन 40 के करीब पैराबल्स हैं जो अंजीलों में लिखी गई हैं। कितनी हैं? 40 पैराबल्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं गॉस्पल के अंदर, ठीक है। इनमें से 17 हैं जो खुदावन यीशु मसीह ने तालीम के लिए, 17 पैराबल्स आर जिनको यीशु मसीह ने बजाते खुद डायरेक्ट उनको क्या किया है, बयान किया है। सो पैराबल है क्या? पैराबल कम आउट फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैराबोला, और पैराबोला का मतलब है जी अ वाइडर देन आवर पैराबल। इसका मतलब काफी वसी है। जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और वो लोग जो खासतौर पर साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि जो पैराबल्स या पैराबोला जो है ये टर्मिनोलॉजी आती है साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। ग्रीक टर्म है जो लातीनी जो ग्रीक तर्जमा हुआ पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का, उसमें इसको मसाल कहा गया है। हमारे यहां पंजाबी का ना मसला बयान करना या मिसाल दे रहा है कोई या कहानी बयान कर रहा है जी, ठीक है। सो मसाल कहा गया है जिसमें तमसीलें भी शामिल हैं। हमारे यहां एक और होती है जिन्हें पहेली जिसे कहा जाता है,
ठीक है ना, रिडल्स, रिडल्स कहा जाता है, रिडल्स, ये भी इसी के अंदर आती है। आपको याद होगा सैमसन ने अपनी शादी के मौका पर, जब सैमसन की कहानी है ना बाइबल मुकद्दस में, सैमसन जो वॉरियर था, जज था, उसकी शादी पर जो उससे पहेली बुझाई गई थी, सो दैट वाज द स्टोरी। कभी मौका मिला सैमसन की किताब पर आएंगे, आई विल शो यू कि पहेली जो है उसका बाइबल मुकद्दस में क्या किरदार है, एज वेल एज पैराबल्स। मुकद्दस मत्ती ने इसके बारे में पढ़ा है जी कि ये तमसील है क्या। शागिर्दों ने खुदावन यीशु मसीह से पूछा कि भाई जब तू क्राउड में होता है, जब तू मजमे में होता है, जब बहुत बड़ी भीड़ तेरे इर्द गिर्द होती है, तो पब्लिक एड्रेस के लिए तू उनको कहानियां क्यों बयान करता है, व्हाई यू टोल्ड और व्हाई यू टेल स्टोरीज, व्हाई। यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया, आइए यीशु मसीह की जुबान से इसका आंसर सुनते हैं। मत्ती की इंजील और 13वां बाब अगर आप देखेंगे तो खुदावन यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया, व्हाई ही टीच और एड्रेस पब्लिकली इन पैराबल्स। 13वां बाब है मुकद्दस मत्ती की इंजील, और उसके 10वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे, उनसे मुराद है कौन, पब्लिक क्राउड, ठीक है, उनसे तमसीलों में, पंजाबी में क्या लिखा है यहां पर, किसमें समझ नहीं आई, दृष्टान, दृष्टान, अच्छा दृष्टान, दृश्य, चलो जो भी है, ठीक है जी। सो पैराबल्स में क्यों बातें करता है, उसने जवाब में उनसे कहा इसलिए, नाउ जी गेट द आइडिया नाउ कि ये पैराबल्स हैं क्या, ठीक है, उसने उनसे कहा इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट अ नॉर्मल स्टोरीज, ये क्या हैं, ये आसमान की बादशाही के क्या हैं, मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। अब जो मिस्ट्री होती है, मिस्ट्री कहते किसे हैं, मिस्ट्री का मतलब है जी ऐसी चीज जो पहले छुपी हुई हो, जो पहले अनफोल्ड ना की गई हो, या लोगों की आंखों से क्या हो, ओझल हो, लेकिन एक वक्त आए कि उसको अनफोल्ड कर दिया जाए और उसको क्या कर दिया, लोगों के सामने ओपन कर दिया जाए, दैट्स कॉल्ड मिस्ट्री, कि पहले ये छुपी हुई थी, पहले ये ओझल थी, लेकिन अब ये दोनों की दुनिया के सामने क्या हो गई है, वाजे हो गई है। सो दैट इज कॉल्ड मिस्ट्री, सो भेद की बात। सो ये पैराबल्स क्या है, आसमान की बादशाही के भेद हैं। नाउ शागिर्दों को प्रिविलेज क्या थी, शागिर्दों को प्रिविलेज ये थी कि उनको यीशु मसीह प्राइवेसी में, जब उनके टीचिंग लेसन होते थे तो यीशु मसीह उन भेदों को क्या करते थे, उनको रिवील करते थे। ओके, पब्लिक को यीशु मसीह हमेशा वैक्यूम में छोड़ते थे कि जाओ और इसके मतलब क्या करो, जिसके सुनने के कान हो वो क्या कर ले, That was an idiom यीशु मसीह ने यूज, इसका मतलब नहीं था कि लोगों के कान नहीं थे, कान सारे दे हैं, केहरे बड़े हैं मेरे गुरु, केहरे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब क्या था कि listening and hearing these are two different things। जब आप listen करते हो, इसका मतलब यह है कि आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ, undivided attention के साथ आप क्या करते हो, hearing का मतलब यह है कि आप इर्द गिर्द बाकी चीजें भी सुन रहे हो, कहीं पंखे की आवाज आ रही है तो कहीं जनाब लाइट की आवाज आ रही है, कहीं बार गाड़ी का हॉर्न बज रहा है तो कहीं कोई बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान, आप हेयरिंग जरूर करो बट यू आर नॉट लिसनिंग। सो दिस इज द डिफरेंस। तुमको उनकी क्या दी गई है, समझ। अब जो अंडरस्टैंडिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, बट दे नेवर एवर रियलाइज के इसका मतलब क्या है, how to understand the gospel or the narrative। So padhna ek fark cheez hai aur usko samajhna ye kya hai, ye fark hai। aapko yaad hoga habshi khauja rasoolon ke maal mein padha tha ki philippus mubashshir, philip evangelist ko khuda ke rooh ne kaha ki daud kar kya ho le, rath ke saath ho le, philippus ran aur he asked the question to that african eunuch aur kya kaha, Do you understand what you are reading? And what was the response? How come? How come? ये कैसे हो सकता है जब तक कोई मुझे उसका मतलब ना बताए। So there's a difference between reading and then understanding. So खुदावन यीशु मसीह ने
शागिर्दों को क्या जवाब दिया, यू हैव अप्रोच एंड प्रिविलेज टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, लेकिन बाकी पब्लिक को नहीं दी गई है। सो पहली चीज हमने समझा दी, पैराबल्स क्या है, ये आसमान की क्या है, भेद हैं, मिस्ट्रीज हैं। क्योंकि आगे जवाब क्या आया है, एक्सप्लेन यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि जिसके पास है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, इट विल बी मल्टीप्लाई, वो डबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिसके पास नहीं है, वो पंजाबी एक मसाल है ना, वो आंदे ने रब लठ नहीं मारदा, रब मत मारदा। की मारदा लोगों की, वो लोग कहते हैं यार मैनू समझ नहीं आई मेरे ना हो की गया, वो मैं एड्डा वड्डा ब्लंडर किवें कर बैठा, या मैं ऐसी गलती कैसे कर बैठी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमने अभी गाया था ना, कि अभी पंजाबी में नया गीत गाया ना कि बख्श दे मैनू यीशु, ठीक है ना, खतावान सिरदिया वालों ना, उसमें क्या था, कुप हनेरे ने की मारिया ने, उन्होंने ने अकलां मारिया ने साड़िया, साड़ी मत मारी गई है, समझ नहीं आई होया कि साड़ा, ठीक है। सो बाज़ुकात ये ऐसे सीन है। सो क्या हुआ जी, जिसके पास नहीं है उससे वो भी क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बात करता हूं, जो यसाया नबी का सहीफा सिस्टर रजीना ने पढ़ा था चैप्टर 6 के अंदर, कि वो सुनते हुए ना सुने और देखते हुए, दैट मींस दे आर स्पिरिचुअली डेफ एंड दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड पीपल। सो बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्रें जिंदगियां कलीसिया के अंदर गुजर जाती है, वो बचपन से लेकर बूढ़े हो जाते हैं, सर सफेद होने तक जो है, बट दे नेवर रियलाइज कि दे आर स्पिरिचुअली डेफ एंड दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। और खुदावन यीशु मसीह ने इस इस्तारे को, इस इमेज को अपने दौर की रिलीजियस लीडरशिप के क्रिटिसाइज किया था कि तुम अंधे को अंधे राह दिखाने वाले हो। इसका मतलब क्या था, क्या फरीसी अंधे थे? नो, बट दे डिडंट हैव स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो इनसाइट थी, इनलाइटनमेंट थी, वो अभी तक खुदा के कलाम से लिट नहीं हुई थी। सो दैट्स व्हाई पहली बात हमें समझ आ गई है ना, कि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। और इन्हीं लोगों को पौलुस रसूल कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो सुन सुन के क्या हो गए हैं, सुन हो गए हैं। डॉक्टर को जाए ना, जो दांदे जो सुई वारदा ना, जो पहली बार सी होती है, उसके बाद पता नहीं लगता की कर गया हूं, ठीक है। वो सर्जरी जिनकी होती है, जिनके जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनको इत्तफाक होता है डॉक्टर के पास जाने का, जब वो थोड़ा बहुत ऑपरेट करते हैं, तो आपको पता ना कि वो जब सुन करते हैं तो उसके बाद आप दांतों के साथ, कानों के साथ, बॉडी के साथ जो मर्जी होता रहे, वो हिस्सा क्या हो चुका होता है, वो सुन हो चुका होता है, ठीक है। सो इस तरह बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, दोज हु आर स्पिरिचुअली वो क्या हो चुके हैं, इसके लिए अंग्रेजी लफ्ज क्या है, मेडिकल का बंदा को बैठा है, नंब, हाँ जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सो वो स्पिरिचुअली क्या हो गए हैं। सो हमारे चर्चेस का भी बहुत जगह ये हालत, खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा कि नहीं सुनते, दैट्स व्हाई। अब लेकिन ये पैराबल्स की मेरी और आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, व्हाई दे आर सो सिग्निफिकेंट, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड एंड राइट एंड अगेन द पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे हम पढ़ते हैं लूका की इंजील 13वें, मत्ती की इंजील 13वें बाब की, अगर आप इसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे, बल्कि 16वीं आयत, वर्स 16 क्या लिखा है, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो क्या करती हैं। तो यहां पर फिजिकल आंखों की बात नहीं हो रही है, यहां पर किन की बात हो रही है, इट्स अ स्पिरिचुअल आई साइट, स्पिरिचुअल साइट। मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, ठीक है। क्यों, यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को, नाउ गो टू द हिस्टोरिसिटी, नाउ अब पूरी हिस्टोरिक चेन, बहुत से जो नबी थे, जो चेन आई है, कमांड ऑफ चेन आई है, वो क्या है, चेन ऑफ कमांड है, उनको आरजू थी, दे हैव अ बर्निंग पैशन, उनकी ये डिजायर थी कि जो कुछ तुम देखते हो क्या करें, देखें, और जो तुम सुनते हो क्या करें, सुने, मगर they didn't have that privilege. So church has the key, the kingdom of heaven, the mystery unfolded by the church and given to the church. So this is the privilege. So aapko samajh aa gaya na parable kya hai aur iska weight kya hai, iska matlab kya hai aur iske piche purpose kya hai khuda ka ki ye parables kyun sunaye jaye. Acha ab kai log hain जो इन पैराबल्स के पीछे जो है उसकी हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं,
कि जी ये वाकया वाकई पेश आया था कि यहां सिर्फ कहानी बयान की गई है पॉइंट बताने के लिए, या इसके मायने क्या है। बाइबल मुकद्दस की जब हम तशरीह करते हैं मेरे अजीजों, जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और जब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट कह ले मैं बाइबल मुकद्दस का होते हुए, दो या तीन अप्रोचेस हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं बाइबल मुकद्दस को इंटरप्रेट करने के लिए। पहली चीज है, कुछ लोग हैं जो इसको लिटरल लेते हैं। लिटरल का मतलब है जैसे लिखा है ना हकीकत में वैसे ही है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब ये लिटरली पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसने कहा जी कि तू जाकर अपना सारा माल क्या कर दे, गरीबों को दे दे और तू भी जाकर क्या कर, ऐसा ही कर। लोग अंदर नहीं नहीं ऐ तो कम मुश्किल है, अरे मेरे को नहीं हो सकता। तो लिटरली मायने वहां पर क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, रसूलों के मामले में पढ़ा था कि पहली सदी की कलीसिया जो थी ईद पैंती को उसके फौरन बाद अपने घर बार बेचकर, मतलब सारे तो नहीं बेच रहे थे लेकिन जो बेच रहे थे अपनी जमीनें बेच रहे थे, वो लाकर रकम कहां रख दी, लाकर बाकी लोगों ने नहीं रखी, कुछ लोग झूठ भी बोलना शुरू हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि लिटरली मीनिंग ये नहीं कि ये मेरे लिए है, नो। तो पहली चीज क्या है, कुछ लोग हैं जो चीजों को लिटरली पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा एलिगोरिकल, एलिगोरिकल का मतलब ये है कि जी आप उसके जो इस्तारा है, जो इसकी तमसील बयान की गई है, उसके पीछे जो मॉरल लेसन है उसके पीछे जाएं, आप हिस्टोरिसिटी के पीछे ना जाएं। मसलन गुड समरिटन की कहानी है, ठीक है, नेक सामरी की तमसील है, ठीक है, और नेक सामरी की तमसील खुदावन यीशु मसीह ने पॉइंट रेज किया कि खुदा की बादशाही में खुदा जब किसी पर गौर करता है, खुदा ये नहीं देखता कि इसका सोशल स्टेटस क्या है, इसकी जात क्या है, इसकी इसकी सोशियो इकोनॉमिकल लेवल क्या है, इसका ओहदा क्या है, इसकी शक्लो सूरत कैसी है, नो, खुदा ये नहीं देखता। खुदा हमेशा क्या देखता है, जैसे खुदा ने सैमुअल नबी के बारे जरिए फरमाया था कि इंसान तो इंसान के क्या देखता है, चेहरे को देखता है, पर खुदा किस पर नजर करता है, खुदा दिलों को परखता है। सो खुदा जब देखता है, खुदा स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर देखता है, खुदा उस बंदे के अंदर स्पिरिचुअलिटी को देखता है, खुदा उसके अंदर अपने इमेज को देखता है, अपनी सूरत और शबी को देखता है, इसके अंदर मेरी सूरत शबी है कि नहीं है। हम इंसान हैं जो इंसानों को उनके ओहदे, उनके कपड़े, उनके घर बार, उनकी दौलतियां, उनकी उनकी दुनियावी आइडेंटिटी से पहचानने की कोशिश करते हैं। सो नेक सामरी की तमसील में आप देखेंगे कि नेक सामरी की तमसील में समैरिटन्स अपने दौर के क्या थे, रिजेक्टेड, आउटकास्ट, यहूदी उनसे पानी लेना भी गवारा नहीं करता, ही इज अ गुड मैन, जबकि प्रीस्ट और लीवाइट वो दोनों क्या हो गए हैं। So, इसका मतलब यह है कि वाकई कोई ऐसा नेक सामरी था, नो, देयर फॉर अ स्टोरी टू मेक अ पॉइंट कि खुदा कैसे लोगों को ट्रीट करता है। सो इस कहानी में जब हम आज के रेफरेंस पर आते हैं मेरे जीजो, तो हिस्टोरिसिटी बाज़ुकात तमसीलों की नहीं है। स्कॉलर इस बात पर एग्री हैं कि देयर इज द वेरियस पैराबल्स आर जिनके हिस्टोरिकल अथेंटिसिटी, वो ओरिजिनल कहानियां नहीं है, खुदावन यीशु मसीह ने उनको बयान किया ताकि आसमान की बादशाही के भेद क्या कर सकें, उन्हें खोल सकें। ठीक है जी, सो दैट्स अ पॉइंट। सो लूका की जो तमसीलें हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लूक्स पैराबल्स। टोटल मैंने कितनी बताई हैं आपको पैराबल्स हैं, 40, लेकिन ये तीनों इंजीलों के अंदर है, ठीक है, टोटल 40। लूका की इंजील में कुल जो है तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तकरीबन 12 के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरमन सीरीज लूका की इंजील के पैराबल पे कितने कितने दिनों तक, कितने संडे चलेगी, 12 संडे। सो तैयार होके आए, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लूक्स, लूका की जो तमसीलें हैं बाकी दो इंजीलों से क्या फर्क है उनमें, तीन पॉइंट। नंबर वन, लूक प्लेस द हाइएस्ट वैल्यू ऑन गुड कैरेक्टर, ठीक है जी। तो लूका का जो कहानियों के अंदर बयान करने का, तमसीलों के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो वैल्यू किसके ऊपर है, अच्छे किरदार के ऊपर है, इसका कैरेक्टर कैसा है बंदे का, इससे कता नजर, जैसा मैंने पहले बताया है कि उसका मजहब क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी शक्लो सूरत कैसी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, नो, एज अ पर्सन इस बंदे का करैक्टर कैसा है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, हाइलाइट्स
द मार्जिनलाइज एंड रिजेक्टेड पीपल. लूका की इंजील में हमेशा आपको जो मोस्टली कहानियां मिलेंगी उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो उन स्टोरीज का जो हीरो या हीरोइन है, वो लोग हैं जो सोसाइटी की तरफ से रिजेक्टेड हैं. औरतें मोस्टली जो पहली सदी के अंदर पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रिजेक्टेड वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स के बारे में आपको पता है ना, जो रबाइज थे, मैं आपको बता चुका हूं ना फ्रीसी किस किस्म के थे, ठीक है ना, ब्रूस फ्रीसीज, 7 किस्म के फ्रीसीज मैंने आपको बताया ना जो पहली सदी में थे. और ब्रूस फ्रीसी कौन से थे, जो अमेरिकंदा वजते हैं जाके, क्योंकि बाजार से भी गुजरना तो सिर कितने रखना. ये वो है जो फेक स्पिरिचुअलिटी शो करते हैं, नहीं जी नहीं नंगना नहीं, क्योंकि बाजार में किसी औरत पर नजर पड़ गई तो हमारा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है जी. तो अगर नजर पड़ना तो दूर की बात है, वो औरतों से बात करने को समझते थे कि ये उनके लेवल के क्या है, बिलो है. और पब्लिक में सिखाना और औरत को बोलने का मौका देना, नेवर एवर. सो इसीलिए आप देखेंगे कि जो मार्जिनलाइज, जो रिजेक्टेड लोग हैं, दे आर द हीरोज इन लूक्स पैराबल. नंबर टू, पॉवर्टी, जो 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 पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, दे आर द हीरोज, वो उनको हाईलाइट किया गया है. सो और जो नॉन ज्यूइश हैं, जो रिलीजियसली सतह पर जिनकी वैल्यू नहीं है, उनको हीरो या हीरोइन के तौर पर पेश किया. तो करैक्टर का हीरो कौन है लूका की कहानियों के अंदर, गरीब, रिजेक्टेड और जो के आउटकास्ट हैं, वो हीरोज हैं. नंबर थ्री पॉइंट जो है वो ये है कि उसकी हर कहानी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड एंड मैन. और यही सारी शरीयत का क्या है, निचोड़ है जी. खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, एज वेल एज लव योर नेबर्स, ठीक है जी. समझ आ गया ना लूका की इंजील की क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके जी. नाउ लूका की इंजील में सेट्स भी हैं जी, मतलब जो 13वां बाब है उसमें 7 पैराबल्स हैं, पूरे 7 एक ही पॉइंट को बयान करने के लिए, जबकि जो 15वां बाब है लूका की इंजील का उसमें एक ही बात को बयान करने के लिए 3 कहानियां बैक टू बैक हैं. मतलब प्रोडिगल सन स्टोरी, प्रोडिगल सन से पहले कौन है, लॉस्ट क्वाइन, लॉस्ट क्वाइन से पहले कौन सी है, लॉस्ट शीप. सो पॉइंट एक ही है, कहानियां कितनी है, 3. दीज आर सेट्स. ये जो कहानी है मेरे जीजो, दैट फोकस ऑन 3S, 3 capital S, याद रखिएगा वो क्या है, नंबर 1 सीड, नंबर 2 सॉयल, एंड नंबर 3 किंगडम सीक्रेट. 3S आज की जो कहानी है, कितने चीजों पे है, 3S पर. लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब यीशु मसीह ने ये कहानी, ये पैराबल बयान की है तो क्या हो रहा था यीशु मसीह की लाइफ में और उसके पीछे रीजन क्या थी. तो 8वें बाब की पहली आयत क्या लिखा है, थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा और 12 उसके साथ थे. ओके जी. ये खुदावन यीशु मसीह का सेकंड मिशनरी ट्रिप है, जो डोमेस्टिक मिशनरी ट्रिप है. पौलुस रसूल के मिशनरी ट्रिप मोस्टली क्या थे, इंटरनेशनल, ठीक है, जबकि खुदावन यीशु मसीह के जो मिशनरी ट्रिप थे वो क्या थे, डोमेस्टिक, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को तलाश करने के लिए आया हूं. तो यीशु मसीह का फोकस जो था वो किस पर था, जुडाइज्म पर, टेंपल पर, लॉ पर, फैरिसीज पर और ज्यूइश नेशन पर, ठीक है. सो यीशु मसीह की जो फोकस था वो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावन यीशु मसीह नॉन ज्यूइश टेरिटरी में नहीं गए. ही वेंट, वो जो ग्रासिनियों का इलाका था जिसमें पूरा लश्कर था, मैंने आपको बताया था, वो नॉन ज्यूइश टेरिटरी था, क्योंकि वहां सुअर थे और सुअर यहूदी इलाके में तो पाल आप नहीं सकते, ठीक है. तो यीशु मसीह गए हैं. सुरफनीकी औरत जिसके बारे में दर्जा, इसकी बेटी में क्या थी, बदरू थी, ठीक है, दैट वाज आल्सो नॉन ज्यूइश टेरिटरी, क्योंकि यीशु मसीह वहां गए, मुझे कोई जानता नहीं, लेकिन यीशु मसीह की शोहरत उनसे पहले क्या थी, वहां पर पहुंची हुई थी. सो खुदावन यीशु मसीह कहां है जी, सेकंड मिशनरी ट्रिप है यीशु मसीह का, डोमेस्टिक, शहर शहर गांव गांव दो काम कर रहे हैं. पहला काम क्या है, प्रोक्लेमेशन, मुनादी, मुनादी ऐलान होता है समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, विच हैज बीन डिक्रीड. लेकिन खुशखबरी, गुड न्यूज क्या है, आने वाले वक्त में क्या होगा. तो
खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, ही इज इन द मिडल ऑफ द टाइम वेयर ही इज कनेक्टिंग व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी डन इन द किंगडम ऑफ हेवन, व्हाट हैज ऑलरेडी अचीव्ड एंड द गुड न्यूज व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव एंड ऑफर टू द वर्ल्ड. ये दोनों जमाने यीशु मसीह में क्या हो गए हैं, इमर्ज हो गए हैं. और 12 उसके क्या हैं, साथ हैं. सो आप देख रहे हैं कि टोटली 13वां यीशु मसीह खुद, 12 शागिर्द, ठीक है. तो सेकंड मिशनरी ट्रिप है. पहला मिशनरी ट्रिप आप देखेंगे वो चौथे बाब में आप देखेंगे अगर, तो वहां पर आपको यीशु मसीह का पहला मिशनरी ट्रिप मिलेगा जहां पर यीशु मसीह अकेले गए हैं. अभी तक शागिर्द यीशु मसीह ने इकट्ठे नहीं किए. सो इस ट्रिप में यीशु मसीह के 12 शागिर्द क्या हो गए हैं, ना सिर्फ 12 शागिर्द साथ हो गए हैं बल्कि आगे इंटरेस्टिंगली पॉइंट आया है, वो क्या है, जो कि टोटली काउंटर कल्चर था उस दौर के ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट के अंदर. और वो क्या था, लिखे और बाज औरतें, सर्टेन वुमेन, औरतें तो और भी बड़ी होंगी, ठीक है, बट वाई दीज वुमेन, इन औरतों ने ऐसा क्या खास किया कि जहां कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी इन औरतों के नाम हमेशा के लिए क्या हो गए हैं, अमर हो गए. So, बाज औकात हम समझते नहीं कि एक बंदा क्या कर सकता है, एक खानदान क्या कर सकता है, बट वी डोंट नो वन मैन कैन चेंज द हिस्ट्री, वन वुमन डिसीजन कैन चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री. सो कितनी औरतों के नाम देंगे जी, बाज औरतें हैं, सर्टेन वुमन, और जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी. ओके जी, सो इनका इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग क्या आई है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आई है इन औरतों की जिंदगियों में, बदरूहें निकली हैं और बीमारियों से उन्होंने क्या पाई है, छुटकारा पाया है. अच्छा ये बड़ी जीव बात है, बदरूहां तो बीमारियां बीबियां जिन्हें फड़क बंदे पहला जाते हैं, ठीक है, तुम्हें पता ना सारी जिंदगी बीमार कौन रहिंदी घर च. वो हमारे पाकिस्तान से किसी बंदे ने एक वीडियो डाली बाबे जी, वो कहते जी हमारे घर की औरतें भी अजीब हैं, कहते जी सारी जिंदगी बीमार रही रहनगियां, और किसी भी घर में जाओ तो भाई दादा चले गए, अब्बा चले गए, नाना फड़क गए, और दादी नानी हमेशा जिंदा रहती हैं, वो तीसरी चौथी पुश्त तक भी क्या है जिंदा रहती हैं. तो उसने कहा जी सारी जिंदगी बीमार औरतें रहती हैं और मर पहले कौन जाते हैं, मर पहले बंदे जाते हैं. दिस साइड ऑफ अबार, लेकिन खैर एनीवे. सो क्या नाम है जी, जिन्होंने बदरूहों और बीमारियों से क्या पाई थी, शिफा पाई थी. सो दे रिसीव हीलिंग, दे रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम जीसस, रिसीव समथिंग जिसने उनकी जिंदगी के अंदर क्या कर दिया, तब्दीली लाई. नाउ इस तब्दीली का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, कि जाओ के घर जाकर आराम नाल जाके हम खाओ पियो तो मौज करो. नाउ हाउ दे रिस्पॉन्डिंग, आपको याद है ना वो स्टोरी अभी आगे आएगी जब उसके डेप्थ में जाएंगे, लेकिन आपको याद है ना जो 10 कोड़ी थे, शिफा कितनों ने पाई थी, वापस कितने पड़ते हैं, और वो कौन था, सामरी. बैड कैरेक्टर इज ऑलवेज हीरो इन द स्टोरीज, ठीक है. सो ग्रेटिट्यूड, व्हाट इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ, जब खुदा हमें ब्लेसिंग देता है, जब खुदा हमें किसी किस्म की हमारी जिंदगी में मल्टीप्लीकेशन करता है, जब खुदा हमें सेहत देता है, जब खुदा हमें इमिग्रेशन देता है, जब खुदा हमें वसाइल देता है, जब खुदा हमें हमारे हमें घर बार की दौलत देता है, औलाद की नेमत देता है, जब खुदा हमें स्टेब्लिश करता है, जब खुदा हमारे अंदर से बोझ और बीमारियां निकाल देता है, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग. ये औरतें चैलेंज हैं फर्स्ट सेंचुरी से, कि इन औरतों ने क्या किया है, इन्होंने शिफा तो पाई है, बट दे आर नॉट अनग्रेटफुल वुमेन्स, they are grateful and how they are expressing their gratefulness. लिखा है शिफा पाई थी उनमें मरियम मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी. एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर कर दूं जी, मगदलीनी का मतलब है जी she was from Magdala. Magdala was a Galilean small town or village, जिसके बाद इसको मगदलीनी कहा जाता है. और ख्याल बहुत सारे आपने सुना भी होगा या कहीं पढ़ा होगा कि जी मरियम मगदलीनी जो थी जी शी वाज प्रोस्टिट्यूट, इसके बारे में बुरी औरत थी ये, या शी वाज हार्लेट, ऐसा नहीं है. बाइबल मुकद्दस ऐसी अंजीलों के अंदर कहीं डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है कि ये औरत जो थी, चूंकि इसमें बदरूहें थी तो शायद ये प्रोस्टिट्यूट थी, नो ऐसा कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है. दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, मगदलीनी बदरूहें जरूर थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट. सो नंबर 1 ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें. नंबर 2 सो मगदला का मतलब मैंने बताया ना आपको, कौन सी जगह, पिंड था, कोई दूर दराज पहाड़ी इलाका, मतलब अनपढ़,
जिसको पता नहीं है क्या है दुनियादारी की होती है, कोई पता नहीं है, ठीक है, लोअर क्लास, लोअर ऑफ द लोएस्ट क्लास, ठीक है, एक तरफ आप ये देखेंगे। नंबर टू, जरा दूसरी कंट्रास्ट देखिएगा क्या है, और जुआना हेरोदीस के दीवान, दीवान का मतलब क्या है जी, अ मिनिस्टर, और मिनिस्टर भी कौन, फाइनेंशियल मिनिस्टर। एक तरफ लोअर ऑफ द लोएस्ट और दूसरी तरफ हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ चर्च, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, कि खुदावन यीशु मसीह ने जो बैरियर तोड़े हैं उनमें सिर्फ जेंडर बैरियर नहीं तोड़ा, बल्कि ही ऑल्सो ब्रेक कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज एंड सोशल बैरियर ऑल्सो। एक तरफ टोटली लोअर ऑफ द लोएस्ट, अनपढ़ जाहिल कोई खातून टेक्निकली, कॉन्ट्रास्ट टू दीज लेडीज, कि जिनकी घरानी सारी जिंदगी कहां पर रहे हैं, कोर्ट्स, बादशाही, हुक्मरानी, इलीट, रूलिंग क्लास, ठीक है जी। सो और ये वो औरतें हैं, और सुजैना और बथेरी औरतें, बाकियों के नाम नहीं है, ये तीन चार सिर्फ कंट्रास्ट देने के लिए है कि खुदावन की बादशाही में, खुदावन की यीशु की हजूरी में, यीशु मसीह ने ना सिर्फ औरतों को परमिशन दी कि वो रैबाई के साथ रहें, उसके साथ ट्रैवल करें, बल्कि क्या करें, उनकी सपोर्ट को और उनकी स्पॉन्सरशिप को भी यीशु मसीह ने क्या किया है, एक्सेप्टेड, जो कि उस दौर में कोई रैबाई, कोई यहूदी गवारा नहीं करता था कि कोई औरत पब्लिक में उसके नजदीक भी आ सके। यही वजह है कि आपको याद होगा वो कहानी जिसमें वो औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, जब यीशु मसीह रुक गए और कहा कि मुझे किसने छुआ है, क्योंकि मुझ में से क्या निकली है, पावर निकली है, वो औरत लिखा है कांपती हुई, डरती हुई सामने आई, क्योंकि अगर खुदावन यीशु मसीह ने बतौर ट्रेडिशनल रैबाई होते हुए अगर उसको कंडेम कर दिया तो वो वहीं संसार कर दी जाएगी। तो उसकी जिंदगी इस वक्त स्टेक पर थी, इसलिए यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, ए बेटी, क्योंकि पब्लिक के अंदर आप किसी मर्द का पल्ला अगर कोई पकड़ सकता है या छू सकता था उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो यहां बेटी या बीवी, दैट्स इट, इससे बाहर नहीं। सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट। सो आप देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे उस कल्चर को काउंटर किया, एंड द वुमेन गॉट द स्पेस, गॉट द लीडरशिप रोल, और इसके लिए जो लव्ज आया है ना, और इनकी जो मिनिस्ट्री क्या थी, सुनिएगा, मिनिस्ट्री इनकी क्या थी, औरतें थी जो अपने माल से उसकी खिदमत, यहां पर जो लफ्ज ग्रीक वर्ड है दैट्स डायक्नोस, जहां से लफ्ज डीकन या डीकनस निकला है, खिदमत करती थी। खिदमत का मतलब क्या है, नॉट ओनली दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द मिशन, दे वर ट्रेवल पार्टनर्स, बट ऑल्सो दे वर फाइनेंशियल सपोर्टर्स। और पूरी दुनिया के अंदर कायदा जी खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, स्कॉलर इस बारे में कॉमेंट देते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री वाज द स्पॉन्सर्ड बाय द फर्स्ट सेंचुरी वुमेन गिल्ड। औरतों ने खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को क्या किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। दिस इज द चैलेंज आज की 21st सेंचुरी की औरतों और आर्टिशिया सिटी चर्च की औरतों के लिए भी, दिस इज द चैलेंज हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग, हाउ वी are participating and what is our expression of gratitude of serving the body of Christ in the city of Artesia. Aage chalte hain ji. So ye pehla paragraph hai ji jisme is kahani ko bayan karne se pehle uska context bayan kiya gaya hai ki Yeshu Masih ki public ministry ke piche jo power thi, jo source thi, wo kaun thi. तो कहानी में हम पढ़ते हैं जी, लिखा है, फिर जब भीड़ जमा हो गई, यानी लोग आ गए, पब्लिक आ गए, क्राउड जमा हो गया, तो खुदावन यीशु मसीह वाज नॉट अ क्राउड प्लीजर। अक्सर लोग होते हैं जो क्राउड प्लीजर होते हैं, ही वाज क्राउड टीजर। यीशु मसीह क्राउड को हमेशा क्या करते थे, टीज करते थे, जाओ और इसके माने क्या करो, जिसके सुनने के कान हो वो, यदि नहीं ने वो जाके तो कोई और काम करे, ठीक है जी। भीड़ जमा हो गई और लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने तमसील में कहा। नाउ हियर द स्टोरी, स्टोरी क्या आई है जी, स्टोरी आई है जी कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया।
रौंदा मतलब पैरों के नीचे आ गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। जो बीज पहले मैं साथ साथ चलूंगा ताकि इसको वाइंड अप करें। नंबर वन, बीज जो है इस स्टोरी में वो क्या है? खुदा का कलाम है। बोने वाले कौन है? प्रीचर, टीचर्स, प्रीचर्स बोने, और पब्लिकली जो बीज है उसकी क्वालिटी हर जगह पर क्या है? सेम है। बीज कहीं चेंज नहीं हुआ। बीज प्योर है, बीज खालस है, बीज जो है वो ऑथेंटिक है, और बोने वाले जो है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रहे हैं? वो दे आर सोइंग अ सीड। फर्क सिर्फ कहां पर पड़ेगा? जमीन नीचे कौन सी है, गिरता कहां पर है बीज, और वो जमीन जिसके ऊपर गिरता है, एक तो वो जमीन फर्क है, नंबर टू हाउ द नेबरिंग जो उसकी जमीन की जो इर्द गिर्द के एरिया है वो, और जमीन के इंफ्लुएंस किसके ऊपर है, ये दो चीजें यहां पर बयान की गई हैं। सो जो पहली जमीन है वो कौन सी है जी? राह के किनारे वाली, पब्लिक हर के है ना, जिन्होंने को जी कदी ओदे मगर ते कदी ओदे मगर, ओदे कोई मशवरा, उन्होंने भी फोन, उन्होंने भी गलबात, इधर दी कहानी उधर, मतलब हर बंदे हर तरफ से क्या लेनी है, हर खबर अपने कोल की, हर खबर पर नजर। पाकिस्तान चुका होता ही ना एक और प्रोग्राम होता है, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा है, तो कई क्रिश्चियन भी ऐसे ने, कोई और देखे ना देखे यहां देखने वेखने की आन डे। सो सानू खबर होनी चाहिए जी फलाने घर च की आन डे, फलाने की जिंदगी में क्या हो रहा है, फलाना बंदा क्या कर रहा है जी। इनकी जिंदगी में बहुत सारे इर्द गिर्द के बहुत सारे इंफ्लुएंसेस हैं, एंड दे आर ऑलवेज ओपन टू वेरियस टीचिंग्स। ठीक है, कोई खादम आया, कोई कन्वेंशन हुई, कोई बंदा आया, मगर टुर पे। दे डोंट हैव अ ग्रिप, दे डोंट हैव एन एंकर कि जी हमारा अपना किला साडा किड़ा है। सो क्या हुआ जी, ये राह के किनारे वाले हैं, और इनके साथ क्या हुआ है? रौंदा गया, नंबर वन, एक तो क्या हो गया, पैरों के पब्लिक के पैरों को क्या आ गया, नीचे आ गया, और नंबर टू क्या हुआ, जो बाकी बजगर से कौन ले गए? परिंदे चुग गए। ठीक है, सो बीज का काम खत्म हो गया। दूसरा कौन सा? दूसरी जमीन, और कुछ चट्टान पर गिरा, रॉक, रॉक सॉइल है जी, चट्टान पर गिरा, सूख गया, वो सूख गया, टोटली सूख गया। रीजन क्या थी? क्योंकि सॉइल के अंदर तरी या पानी नहीं था, उसके अंदर किसी किस्म की जज्ब करने की पावर रिसीव तो कर लिया लेकिन जड़ नहीं बनी, सूख गया, फौरन सूख गया, कुछ झाड़ियों में गिरा। तीसरी लैंड कौन सी है जी? झाड़ियां, और गिरा, उगते गया, पर क्या हुआ? झाड़ियों ने साथ बढ़ाकर उसे क्या कर लिया, उन्होंने कहा भाई तू अगे नहीं जा सकता, इतने रहना है तू सारी जिंदगी ना, बस दुध ही पींदा रहना, तेरी तेरा मैदा इतना जोगा नहीं है कि तू क्या कर सके, तू मीट ले सके, ठीक है ना, तू बस दुध ही पींदा रहा, निप्पल लाकर बैठा रहा चुप कर गया। ठीक है, नर्सरी से ऊपर नहीं जाना। और कुछ लिखा है कहां गिरा? अच्छी जमीन पर गिरा, और फल कितना लाया जी? 100-fold फ्रूट लेकर आया है। ओके, तो ये तो हो गई तमसील पब्लिक के लिए। ठीक है, अब शागिर्द प्राइवेसी में यीशु मसीह के पास गए हैं, और शागिर्दों ने से पूछा ये तमसील क्या है मालिक को, सानू भी दस की आखे ही, साडे भी पल्ले पा, साडे भी खिड़कियां खोल, क्या है ये? उसने कहा तुमको खुदा के बादशाही के भेदों की, अगेन आपको याद है ना वही सेम मत्ती वाली, तुम्हें क्या दी गई है? समझ, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है कि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। अब बीज क्या जी? अब देखें जी, कलाम अपने इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है? खुद कर रहा है। सो तमसील को अनफोल्ड यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं। सो क्या जी, बीज खुदा का कलाम, वी डिस्कस, राह के किनारे के वो हैं। अब ये जमीन कौन है? लोग हैं, ये मैं और आप हैं। ठीक है, ये हमारा दिल है, ये जमीन जहां कलाम बोया जाता है, ये मैं और आप हैं। और ये क्या लिखा है इनमें? पहली कैटेगरी, चार कैटेगरीज बयान की हैं, तो पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना, तो सुना उन्होंने भी, लेकिन क्या हुआ? अब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से
छीन ले जाता है। इब्लीस का काम क्या, वो क्या करता है, चोर चुराने के लिए आता है और क्या करता है, मार डालता है। इब्लीस का शुरू से फोकस, ये बात याद रखिएगा जी, बाज़ वक़्त हम शायद समझते हैं कि इब्लीस का फोकस मैं और आप है, इब्लीस का फोकस मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक मैं और आप नहीं है। इब्लीस का जो पर्पज है वो ये कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम ना करने पाए। जहां पर आप कलीसिया थोड़ी तरक्की करने शुरू हुई, जहां पर लोग थोड़े बढ़ना शुरू हुए, जहां पर कलीसिया में थोड़ा बहुत आगे काम होना शुरू हुआ, वहीं पर साथ में कलीसिया के अंदर से क्या शुरू हो जाएगा, शैतान भी फुल फॉर्म में आ जाएगा। ही इज नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, ही इज ऑलवेज 24/7 बिजी। असी छुट्टी कर जाने क्योंकि सानू और बड़े काम ने, शैतान और कोई काम नहीं, वो टोटली फोकस है केड़ी कलीसिया किथे बैठी तरक्की करन रही है, कहां पर यूथ एक्टिव हो रही है, कहां पर बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, कहां पर खवातीन एक्टिव हो रही हैं, कहां पर मेंस जो हैं, कहां पर वर्शिप एक्टिव हो रही है, और वहीं पर खानदानों के अंदर से लोगों को डिस्करेज करना, लोगों के अंदर नेगेटिविटी पैदा करना, लोगों के अंदर तफरीके डाल देना, जुदाइयां डाल देना, बुगज डाल देना, हसद लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए डाल देना, ये किसका काम है, ये डेवल का काम है। तो सुना उन्होंने, लेकिन क्या हो गया, शैतान जो है वो आकर ले गया जी। दूसरी है जी, और वो क्या है, रॉक। ये रॉक कौन से हैं जी, लिखा जी, आज दूसरी कैटेगरी देखो जरा, लिखा जी चट्टान पर के वो हैं जो कलाम को सुनकर खुशी से की करते हैं, फॉरन इंपल्सिव इमोशनल हो जाना, फॉरन ओहो इंज कर लिए, उंज कर लिए, ओ ना नवी नवे फकीर नहीं दोपहरी तू आ, फकीर नहीं होते ना, फकीर फकीर बनते ना वो, मोस्टली फकीरों की ढेरी है, कितों को जल्दी है शाम नू, ठीक है ना, आग जलती है, लोकी आ जाते हैं, कोई धागे कराने वाले, कोई तवीज कराने वाले, कोई ये करने वाले, ठीक है ना, फकीर बैठा होता है, जो नवा नवा फकीर होए ना वह नहीं पता कि शाम को ढेरी पानी है, वह की करता है, वह दोपहरी धोनी तेई करता है, ठीक है, वह नहीं बंदा टाइम की है, उन्हें नहीं वेखना कि जी पब्लिक की आना है कि नहीं आना, उन्हें अपना काम चुकया होना, खिची रखो बस, इतना कौन पब्लिक को क्या बरकत मिल रही है, इरीटेट हो रहे हैं, ना जी ना, अपना काम चुके रखो बस। So, खुशी से दे आर इंपल्सिव पीपल, ये कौन लोग हैं, इंपल्सिव इमोशनल, जल्दी से हर चीज को रिस्पॉन्ड कर दिया, जल्दी से हर चीज के पीछे दौड़ पड़े बगैर सोचे समझे, ओ वाह जी वाह, ओ जी फलाना खत्म आया, ओ जी फलानी कन्वेंशन हो गई, ओ जी फलाना काम हो गया जी, ओ जी इंज कर रही हो, मतलब आनिया जानिया वेखो बस आनिया, ठीक है, इंपल्सिव पीपल, खुशी से फौरन जनाब बल्ले बल्ले आ जी आ रूहानी ते हाथ खड़े कर खड़े मार ये हो गया, लेकिन क्या लिखा है, लेकिन जड़ अंदर नीचे ग्राउंड नहीं है, रूट्स नहीं है, इंपल्सिव है, इमोशनल है, जैसे वो इमोशनल स्टांस, जैसे वो डोपामाइन, डोपामाइन होता ना जो फेसबुक तो लाइक वेख के अच्छा फील होता, सवेरे सवेरे कमेंट्स देखकर अच्छा फील होता है, दिमाग का डोपामाइन क्या होता है, ड्रग जो है मेडिकल वाले बताएं जी, वो जो तसल्ली मिलती है ना ड्रग लेने वालों को, ठीक है ना, एकदम बंदा हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, 15-20 हाँ, शुगर रश, शुगर रश, इसकी मैं मिसाल दूंगा, ये डोनट क्रिश्चियन है, डोनट क्रिश्चियन है, डोनट की कर रहा है, भूख लगी हो ना तो फौरन हम क्या करते हैं, जिन्हें शुगर लो हो जाती है वो की कर देना है, फौरन डोनट खाते हैं और यूं लगता है कि एकदम पेट क्या हो गया, भर गया, और जनाब असि रज गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये शुगर 5 मिनट के बाद इन्हें फिर ड्रॉप थले ठक आके डिगना है, फिर ही लाभ ने कि यार होन की करिए। सो दीज आर डोनट क्रिश्चियंस, थोड़ी देर के लिए शुगर रश लेंगे, थोड़ी देर के लिए हैप्पी क्लैपी, एंड थोड़ी देर के बाद जैसे शुगर का काम खत्म हुआ दे आर अगेन ड्रॉप डाउन, जड़ नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त क्या हो जाते हैं, जैसे ओ जी मुझे तो फलाने ने बात कर दी है, मैनू तो कहे घूरी पा के चर्चे च वेख्या है, मैं तो आना ही नहीं गिरजे, ऐ जी मैंने तो स्टेज पर माइक नहीं मिलया तो मैं तो आना ही नहीं, ठीक है, वो जी मैनू तो जनाब उथे मेरे ना कोई बैग रोटी नहीं खाता, भाई वो नहीं खाता तुम जा खा लो, अच्छा जी मैनू उन्हें सलाम नहीं किया, वो जी मैनू मिलन नहीं आया, अल मैनू तो चाह नहीं मिली, और मैं पानी लैन गया हाँ तो मैंने किसी बोतल नहीं पूछी, मतलब आप देखेंगे कि अजीब किस्म के, जिसे कहना चाहिए कि बचकाना किस्म के जो हरकतें हैं वो कलीसिया के अंदर शैतान क्या करना शुरू कर देता है, फैलाता है, क्योंकि जैसे ही आजमाइश, अब आजमाइश लाइट भी हो सकती है, हैवी भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ टेस्ट
जो भी आएगा, जैसे ही प्रेशर आता है, आजमाइश पड़ती है, ये लोग फौरन क्या हो गए, उन्हें यही जानते ही नहीं, ठीक है, ये वो लोग हैं, तीसरी कैटेगरी। और जो झाड़ियों में गिरा, इनसे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने खुदा, जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी ट्रिकी सॉइल, क्या है इस जिंदगी की, क्या है जी, फिक्रों, वरीज, ठीक है, ठीक है, कल की होएगा, परसों की होएगा, भाई कल परसों छोड़ो, देखो आज की हो रहा है, खुदा आज आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। खुदा ने पीछे आपके साथ क्या फेथफुलनेस दिखाई है, गो एंड लुक बैक और देखो कि खुदा ने तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। सो ये जिंदगी की फिक्रों ने और दौलत, दूसरी कैटेगरी क्या आई है, दौलत, और तीसरी क्या है, ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, ये ट्रैप है। बाज़ुकात लोग समझते हैं कि ये मेरा बिजनेस शायद मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरी शायद तनख्वाह बदल रही है, शायद मैं ज्यादा आवर्स करूंगा या करूंगी तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे या ये ब्लेसिंग हो जाएगी, नो दैट्स नॉट अ केस। ये क्या है असल में, कलाम क्या कह रहा है, ये क्या है, ये ट्रैप है। मैं चूंकि अभी नेक्स्ट फॉल से मैं डॉक्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री का कोर्स पढ़ाने लगा हूं, डीमिन कोर्स है, उस कोर्स का टॉपिक है हाइब्रिडिटी एंड क्रिश्चियन आइडेंटिटी इन 21st सेंचुरी। उसमें मैं सुन रहा था कि क्रिश्चियनिटी का और जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म में कौन सी चीज है जो एक दूसरे के दरमियान कॉमन है, ठीक है, किसके दरमियान, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म के दरमियान कॉमनैलिटी, कॉमन ग्राउंड क्या है, दो कॉमन ग्राउंड है जी। पहला, बुद्धिज्म यह कहता है कि जी इंसान की अपनी जिंदगी में जो अनसेटिस्फैक्शन है, ठीक है, जो अनसेटिस्फैक्शन है वो उसकी अपनी पर्सनल डिजायर की वजह से होती है, बाहर से नहीं कोई चीज आ रही, कहां से आ रही है, ये अंदर से। इवन जो पीस है वो भी बाहर से नहीं आता, पीस कहां से आता है, अंदर से आता है। तो बुद्धिज्म का जो कॉमन ग्राउंड है, पॉइंट ये बड़ा अच्छा था कि जो सेटिस्फैक्शन है या जो अनसेटिस्फैक्शन है ये इंसान की अपनी ख्वाहिशों, अपनी डिजायर की वजह से क्या होते हैं, इंसान अपने आप को मुश्किलों में फंसाता है। और आपको याद है मुकद्दस पतरस ने और मुकद्दस याकूब ने अपने खत में क्या लिखा है कि जो हमारे अंदर की जो ख्वाहिश हैं वो प्रेग्नेंट होकर तो गुनाह को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। तो ख्वाहिश कहां से आती है, अंदर से उभरती है कि जी मेरे पास एक गड्डी है, तो यह मेरी गड्डी तो हूँ पुरानी हो गई, 2 साल पहला लाई सी, तो हूँ की होनी चाहिए मेरे को, नवी होनी चाहिए। ए मेरे को फोन जरा ही है, 6 महीने पहला नवा लिया ही, हूँ की हो गया, पुराना हो गया। अब मेरी मेरे को मेरी तनख्वाह तो $60,000 महीने की है वे, लेकिन मेरे गवांढ़ियों की 120, तो मेरी भी कितनी होनी चाहिए। तो असल में बाहर से कुछ नहीं आ रहा, ये खारे कहां से उभर रही है, ये अंदर से ही है। इसका रिजल्ट क्या निकला है, जो कमिटमेंट हमारी खुदा के साथ या खुदा के लोगों या कलीसिया के साथ है, वी कॉम्प्रोमाइज दैट, और यार छड़ो पर चर्च की जाना है, गिरजे की जाना है, वो ही घंटे की करने हैं, काम तो लाने हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि जिंदगी की फिक्र, दौलत और ऐशो इशरत में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फल तो है लेकिन कच्चा चढ़ गया, फल आया जरूर है लेकिन क्या हुआ है, गिर गया, फल कच्चा चढ़ गया, नेवर दे डिडंट गेट इट। चौथी कैटेगरी है जी, अच्छी जमीन के वो हैं जो सुनकर क्या करते हैं, उम्दा, क्या लिखा जी, और नेक दिल में क्या करते रहते हैं, संभाले। ओहो, दैट्स अ कैटेगरी, ये मेरा और आपका काम है, जो गिफ्ट जो नेमत तेरे पास उसे क्या रहे, संभाले रहे, अपनी खिदमत को जो तेरे पास उसे क्या कर, संभाले रहे, ठीक है। तो संभालने का काम किसका है, वो मेरा है, उसके लिए यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर, ताकि झाड़ियां, फिक्रें, दौलत, इबलीस, इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस, वो मुझे कवर ना कर ले। सो मेरे जी, तो 4 किस्म की जमीन खुदावन यीशु मसीह ने हमें बताई है। अब सवाल ये है, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल
आई है। दूजी वाल ना वेख्यो क्या करना है कि मैं कौन सी जमीन हूं, एम आई द पब्लिक वॉक जो मेरी है, पैथ है वो है, रॉकी जमीन है मेरे दिल की, झाड़ियों वाली है, या फिर क्या है, या मैंने उसे क्या किया हुआ है, मैंने उसे संभाला हुआ है, जो गिफ्ट जो उम्दा मेरे पास है। सो वंस यू हैव दिस लाइट, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जी चैलेंज क्या है, मेरा और आपका चैलेंज क्या है, मेरा और आपका इस कहानी से ताल्लुक क्या है, मेरा आपका क्या लेना देना इस कहानी से। ठीक है, पहली चीज चैलेंज आपके लिए क्या है जी, नंबर वन चैलेंज ये है मेरे जीजो कि मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब खुदा ने मेरे साथ रिलेशनशिप कायम करके मेरे अंदर बीज को कायम कर दिया है, देन व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी 17वीं और 18वीं आयत में क्या है, कोई शख्स चिराग दान या चिराग जलाकर बर्तन से छुपाता नहीं और ना पलंग के, योर लाइट शुड बी शाइन इन द पब्लिक। ठीक है जी, इफ यू हैव अ लाइट, बल्कि चिराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को क्या दिखती रहे जी, रोशनी। चर्च के पास जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लेट्स टर्न योर लाइट ऑन। जो खुदा ने हमें लाइट दी है उसको पब्लिकली लोगों के सामने शेयर करना, लोगों के सामने बताना, लोगों को लेकर जाना और खिदमत में इन्वॉल्व होना, खुदा के साथ काम में शामिल होना है, क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी। आज जिनने फोन करके ना तुहानू इस दस्या किसी होर नहीं दसना, ठीक है, ऐ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, आपने आगे किसी को नहीं बताना। इहदा मतलब है वे कि तुसीं बीबीसी लंदन हो, इहनू कमाओ अगे हो, ठीक है, ऐ दसो जाकर लोगों को की हो रहा है। सो कोई चीज जाहिर ना हो जाएगी, कोई ऐसी पोशीदा बात नहीं जो मालूम ना होगी और जहूर में ना आएगी, बस खबरदार रहो। वार्निंग आइए जी, जो पहली चीज क्या है, चैलेंज है। चैलेंज क्या है, तुम्हारी रोशनी क्या हो, लोगों के सामने चमके। बी इन्वॉल्व, बी इंगेज, टेक रिस्क, खुदावंद यीशु मसीह के साथ निकलें, पार्टिसिपेट करें। और फिर क्या है, वार्निंग क्या है, वार्निंग ये है बस खबरदार रहो कि किस तरह सुनते हो। अगेन कहां पर फोकस आया जी, सुन हो गए हो, नंब हो गए हो, किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है क्या किया जाएगा उसे, तो जिन्हें नाराज हो के मुंह बना के वटा के घर बह जाना है, जो है वो भी क्या हो जाएगा, दैट्स गॉन, बिकॉज क्योंकि आपने उसको छुपाकर बर्तन के नीचे, पलंग के नीचे आपने उसे दबा दिया जाकर, जो गिफ्ट खुदा ने आपको दिया है। सो और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जिन्ना को कतरा को मिले ना, कोई छोटा जा कतरा दो कतरे, ठीक है ना, वो भी सुख जाना है। सो मल्टीप्लाई इट। आखिरी पॉइंट इस स्टोरी के अंदर, और वो क्या है, लिखा फिर उसकी मां और उसके भाई उसके पास आए। हेयर यू गो जी, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके साथ बना है, पहला चैलेंज क्या है, किसके साथ रिलेशनशिप, खुदा के साथ। And then through that relationship, you shine your light to the public and then develop a community, develop a church. These are your family. This is your true relatives. Those who become your relative through the relationship with God. यही वजह आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के रूहानी relational ज्यादा strong होते हैं उनके biological relationship से। जो लोग खुदा में मसरूर रहते हैं, जो लोग खुदावंद में मस्त रहते हैं, उनको फिर बाकी रिलेशनशिप की जरूरत नहीं रहती। सो फिर उसके मां और भाई उसके पास आए मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट जी। आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि जो खुदा तक अप्रोच है वो किसके वसीले है, यीशु मसीह के वसीले। देयर इज नो मीडिएटर। मीडिएटर एक ही, और वो कौन है, बाप के दाने हाथ कौन बैठा है, यीशु मसीह। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मीडिएटर यूज करते हैं, और हमारा जैसे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक खासतौर पर, दे अप्रोच थ्रू सेंट्स। फलां सेंट हमारे लिए दुआ करो, फलां सेंट मुकद्दसा मरियम भी खुदावंद की माँ हमारे लिए क्या कर, दुआ कर। लेकिन ये रेफरेंस जो है, दैट्स इंटरेस्टिंग,
क्योंकि यहां पर यीशु मसीह की मां और उसके भाई उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. ओके, दे आर टोटली ब्लॉक्ड. इंटरसीडिंग का कोई यहां चांस नहीं है. क्यों? रीजन क्या है? सुपीरियरिटी का मतलब यह नहीं है कि उनकी अहमियत कम है. नो, वो अपनी जगह पर, उनकी जो अहमियत है, उनकी जो ब्लेसिंग है, उनका जो रोल है, अपनी जगह पर है. बट हु इज सुपीरियर देन दीज रिलेशनशिप, और वो कौन है? और उसे खबर दी गई कि तेरी मां और तेरा भाई क्या खड़े हैं और तुझसे क्या करना चाहते हैं. क्या जवाब आया जी? इंटरेस्टिंगली उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी मां और मेरे भाई कौन है? जो मेरा कलाम और फिर. सो इसका मतलब यह हुआ कि जो कम्युनिटी डेवलप हुई थ्रू द लिसनिंग ऑफ गॉड्स वर्ड एंड फॉलोइंग गॉड्स वर्ड, और जिन लोगों ने खुदा के काम में शामिल हिस्सा पाया, दे हैव मोर एक्सेस टू गॉड्स थ्रोन रूम देन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैमिली. तो जो लोग समझते हैं कि चर्च या कलीसिया एवं ही है, दैट्स नॉट अ केस. चर्च, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कम्युनिटी, जो वर्शिप कम्युनिटी खुदा ने खड़ी की है, इट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड दे हैव अ मोर सुपीरियरिटी, दे हैव मोर एक्सेस, जो उसके कलाम को क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं? अमल करते हैं. आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद.